आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। मॉर्निंग का अभी हो रहा है 8:30 और हस्बैंड को बोली ना, गाय का दूध क्या है ना कि गाय जो बच्चा दी है ना, तो वो दूसरा गाय का हम लोग अभी दूध दे रहे हैं, तो उसका क्या है ना कि टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा चाय का, तो इसलिए मंगाई सुधा दूध। और इसका भी अभी पता नहीं क्यों है, इसमें डुप्लीकेट दे रहा है या क्या दे रहा है पता नहीं, पर इसका उतना अच्छा टेस्ट इसका भी नहीं लग रहा है, तो अब नहीं मंगाऊंगी। अब गाय का दूध का ही जैसा भी होगा वैसा चाय बना करके पीऊंगी। और अभी आज है सोमवार और नहा करके पूजा करके सीधे मैं आ गई हूँ किचन में और पहला चाय ये मेरा है। सुबह से मैं चाय नहीं पी, एक बिस्किट खाकर पानी पी ली थी नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। और अभी अभी जाकर के मैं चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि इसका चाय बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है बस इसी वजह से। और जो भी मॉर्निंग का काम है वो सब काम करके हाउस हेल्पर जो है वो चली गई है, बस थोड़ा मोड़ा जो बेडरूम ठीक करना है वो सब मैं करूंगी। तो पहले चाय बनाकर चाय पी लूंगी उसके बाद। यह है कल का दूध, तो इसका मैं पनीर बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, उसी वक्त फ्लिपकार्ट से ये जो मैं दी थी ऑर्डर चाय पत्ती 1 kg का प्रीमियम टाटा टी प्रीमियम चाय पत्ती और साथ में दी थी 2 kg का एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, तो ये हमारे हेल्थ के लिए ना ये तेल जो है ना सो बहुत ही अच्छा है और इसको मैं अक्सर यूज़ करते ही रहती हूँ। 1 kg का तो था पर थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, अभी तो है ही पर देखी कि थोड़ा सा ऑफर था इसमें तो मंगा ली। और मार्केट में इसका जैसे कि प्राइस है 2700 रुपये डिब्बे पर लिखा हुआ है, तो आप अगर फ्लिपकार्ट से मंगाइएगा ना तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, पर मार्केट में अगर जाकर यही तेल लीजिएगा ना तो महंगा पड़ता है। ये देखिए है ना 2700 रुपये, तो बस इसीलिए इसको थोड़ा सा ऑफर था तो मंगा ली। और इसको आप अपने डाइट में ना ज़रूर शामिल कीजिए, बहुत ही अच्छा तेल है। आप चाहे तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। बस वहाँ पे तेल को मैं रखती हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ मैं ये पानी वाला बोतल लेकर के। और जहाँ से मैं पानी लेती थी ना वहाँ पे पानी मंगाने के बाद 3 दिन रखती थी और तीसरे दिन ही पानी ना हरा हरा हो जाता था, तो जिसके कारण अब वहाँ से मैं पानी नहीं मंगा रही हूँ, अब दूसरे जगह से मैं फिर पानी मंगा रही हूँ। और यहाँ है ना कि घर में जो एक्वागार्ड बहुत लोग लगाए हुए हैं ना, तो बहुत मोटा पानी है और इनका जो पानी रहता है ना ये बोतल वाला जो पानी देते हैं ना उनका बहुत पतला पानी रहता है, अच्छा लगता है पीने में, तो इसलिए बोतल का पानी ही मैं मंगाती हूँ। पर ये बोतल को मैं साफ़ कर रही हूँ किस चीज़ से, नींबू डाली थी थोड़ी सी, मैं डाली थी मीठा सोडा और विनेगर, बस इसी से डाल करके अच्छे से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो चाय पी करके नाश्ता भी बना ली, पनीर बनाई थी ना बस उसी पनीर और आलू डाल करके मैं सब्जी बना ली और आ गई हूँ। अब मैं बेडरूम ठीक कर रही हूँ, नाश्ता भी मैं कर चुकी हूँ, तो अब मैं आ गई और बेडरूम को मैं ठीक कर ले रही हूँ क्योंकि बेड में ठीक नहीं की थी। और ये देखिए मिठाई जो है सो मेरे पास बैठी हुई है। और ये मिठाई जो है ना मैं जितना देर काम करते रहती हूँ ना बस मेरे आगे पीछे घूमते रहती है और खेलते रहती है, और इसके साथ खेलना ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इस प्लांट को मैं रखी थी बाहर,
कुछ दिन तक बाहर रखती थी ताकि इसमें धूप लगे और धूप के साथ साथ इसमें बारिश का पानी भी शुरू हो गया। बारिश जैसे कि 3-4 दिन तक लगातार बारिश हो ही रही थी और आज से मौसम थोड़ा सा साफ है, तो इसको बाहर रखती थी तो इसमें धूप और पानी दोनों ही 3-4 दिन अच्छे से लग गया। तो इसको ले आ करके फिर यहाँ पे मैं रख ली और इतना छोटा था और एक डेढ़ हफ्ते में इतना बड़ा ही हो गया। अच्छा लग रहा है ना मछली वाला? अब हम सब्जी बना लिए, दाल बना लिए, तो मछली क्या करेंगे? छोड़िए ना, बड़ा मछली है, 5 केजी का मछली है। अरे दाल सब्जी बना दी, मछली है 5 केजी का, आधा हम लोग नहीं आधा नहीं बना गया दरवाजा पे वो कटा जी भी ले लिया। हाँ। बोले हैं क्या? हाँ हाँ हम दाल भी बना लिए हैं, सब्जी भी बना लिए। तो ये देखिए आप लोग भी, यह है 5 केजी का मछली और सच में बहुत बड़ा मछली था। तो मैं तो जैसे सब्जी और दाल बना ली थी पर मछली को देखकर ना मेरा भी मन हो गया कि नहीं ले ही लेते हैं, इतना बड़ा मछली मिलता नहीं है। और ये जो मछली वाले हैं ना, जब भी ताज़ा मछली इनको मिलता है ना नदी में तो ये ज़रूर ले करके आते हैं, जानते हैं कि बड़ा मछली रहता है तो ये लेती हैं। तो बस इसीलिए, और आधा मछली जैसे कि 1 केजी मैं ली और उसके बाद में 1 केजी दत्ता सर के यहाँ भी लिए। और ये देखिए मछली तैयार है। तो मेरे यहाँ सब्जी में आप देखिएगा कि बहुत कम तेल में सब्जी बनता है, पर जब नॉनवेज बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा जैसे कि तेल डाल करके ही बनाती हूँ। तो बस आप लोग भी आइए, अगर मछली खाते हैं तो ज़रूर आइए और खा लीजिए। और मछली की रेसिपी मैं शेयर आप लोगों के साथ नहीं की, बहुत पहले मैं एक बार मछली की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाई थी, तो सोची कि क्या इसको मैं शेयर करूँ। तो बस मछली चावल खा करके थोड़े देर के लिए आराम की और घर से एक दो आदमी आ गए थे तो उनको भी मछली चावल खिला दी, नसीब था उनके भी भाग्य में लिखा हुआ था मछली चावल आज का खाने का, तो बस उनको भी खिला दी। और ये कुछ कपड़े हैं तो इसको उतार कर मैं रख दूँगी सूखने के लिए। और यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, कढ़ाई में तेल डाल दी, थोड़ी सी डाली मैं जीरा, थोड़ी सी मैं डाल दी सरसों इसमें और 2 सूखी मिर्च, बस इसको अच्छे से भून ली। उसके बाद में यहाँ पे 6 से 7 कली मैं डाल दे रही हूँ लहसुन का, और ये जो चना दाल का चटनी होता है ना उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी ये मसूर दाल का चटनी होता है, तो मसूर दाल के चटनी और अरहर दाल का मैं चिलाज बनाऊंगी। तो ये देखिए लहसुन जो है सो अच्छे से पक गया है, तो मसूर दाल को मैं धो करके, सिर्फ धो करके ही इसमें मैं डाल रही हूँ भूनने के लिए, फुला करके नहीं, बस जैसे कि धोई छानी और बस इसमें डाल दी। और ये देखिए बहुत ही क्रंची, मतलब कि कलर भी चेंज हो गया है और मसूर दाल का टेस्ट भी, मतलब खुशबू, टेस्ट नहीं खुशबू, बहुत ही सोना सोना सा आने लगा था। तो बस इसमें मैं टमाटर डाल दी, साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल दी ताकि टमाटर गल भी जाए और ये सब जो है सो आपस में नमक और जो भी है सो आपस में मिक्स हो जाए। तो बस इसमें अब मैं डाल दी 2 चम्मच नारियल का पाउडर, और नारियल का पाउडर डाल करके इसको 2 मिनट के लिए भून ली। और ये जब ठंडा हो गया तो इसको मैं निकाल करके थोड़ा सा नमक डाल करके और उसमें डाल दे रही हूँ मैं दही, और दही के पानी के साथ ही इस चटनी को पीसूँगी, एक्स्ट्रा मैं अलग से पानी नहीं डाली थी। बस ये देखिए ये चटनी तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं अब छौंक लगा दे रही हूँ, उस पर मैं डाली अजवाइन, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी सरसों, अगर करी पत्ता आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, अभी शाम का समय हो गया था ना तो करी पत्ता मैं नहीं तोड़ी थी इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसके साथ मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, ये तड़का दे दी, देखिए कितना यम्मी सा चटनी तैयार है। और ये जो मॉर्निंग में दाल बना हुआ था ना तो उसमें का इतना दाल बचा हुआ था, तो बस उस दाल में डाल दी मैं नमक, साथ में डाल दी प्याज, अदरक और हरी मिर्च काट करके, बस इसको डाल दी। साथ में ये 2-3 चम्मच मैं आटा डाल दे रही हूँ, और उसके बाद में गोटा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और काली मिर्च कूट करके, बस इसी को डाल दी, इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, यही डाल करके और चीला तैयार कर लूँगी। और इसके साथ ना चटनी के साथ, जैसे कि मसूर दाल के चटनी के साथ ये दाल का जो चीला है ना, अरहर दाल का चीला, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस आज का यही ब्लॉग रहा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे सी रेसिपी के साथ और एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, माता रानी हम सब का रक्षा करे, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। बाय बाय।